अंबाला की, जहां सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। जी हां, सिविल अस्पताल के डॉक्टरों ने हड़ताल शुरू कर दी है और आज सामूहिक अवकाश पर ये सभी डॉक्टर रहने वाले हैं, यानी कि किसी भी तरह की चिकित्सीय सेवा इन डॉक्टर्स के द्वारा नहीं दी जाएगी। दरअसल विशेष भत्ते और प्रमोशन की मांग इन डॉक्टर्स के द्वारा लगातार की जा रही है। इसके अलावा अस्पताल की ओपीडी पर भी खास असर देखने को मिल रहा है। डॉक्टर्स की इस हड़ताल पर ओपीडी सेवाएं में काफी अनियमितता देखी जा रही है। इसके अलावा बात की जाए तो इमरजेंसी सेवाएं फिलहाल सुचारू रूप से चलती रहेंगी और बाकायदा स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए एक नोटिस भी जारी किया है। और इसी के साथ कमल प्रीत हमारे संवाददाता अंबाला से फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कमल, आपसे जानने चाहेंगे, डॉक्टर्स की हड़ताल शुरू हो चुकी है, अगर बात की जाए स्वास्थ्य सेवाओं की तो कितना असर देखने को मिल रहा है, जो मरीज यहाँ पर इलाज के लिए पहुंच रहे हैं? देखिए, फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर्स की जो ये स्ट्राइक है उसको लेकर के इनको जो है वो पहले ही नोटिस दे दिया गया है। ये लोग एश्योर्ड जो कैरियर प्रमोशन है उसके लाभ की मांग कर रहे हैं और काफी लंबे समय से ये मांग कर रहे हैं। और फिलहाल जो है इमरजेंसी जो सर्विसेज है वो फिलहाल सुचारू रूप से चल रही है और इस स्ट्राइक को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने इनको पहले ही नोटिस जारी कर दिया था कि जो डॉक्टर जो है वो हड़ताल में शामिल होंगे उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्योंकि सुबह सुबह का ये मामला है, अब आते आते दिन चढ़ते ये अस्पताल कितने, ये जो हड़ताल है ये कितनी कारगर साबित होगी ये देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से पहले भी जो है ये डॉक्टर्स हड़ताल करते रहे हैं और सख्त कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाती रही है, बकायदा सस्पेंशन भी जो है कई डॉक्टर्स को थमा दिए गए थे, इस बार देखना होगा कि ये किस तरीके से हड़ताल करेंगे और क्या कुछ कार्रवाई जो है वो स्वास्थ्य विभाग इनके ऊपर करेगा। क्योंकि अनिल विज जो है वो गब्बर कहलाए जाते हैं और काफी कठोर कदम वो उठाते हैं, लेकिन इस बार देखना होगा कि किस तरीके से वो इन हड़ताली डॉक्टरों से निपटेंगे। क्योंकि हड़ताल के कारण जो है वो मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और पहले भी अनिल विज जो है वो इनके इसी मामले में साफ कर चुके हैं कि वो जो है इनकी लगभग मांगे सभी पूरी कर चुके हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इस हड़ताल को किस तरीके से लेगा स्वास्थ्य विभाग। जी कमल प्रीत, अगर डॉक्टर्स की हड़ताल की बात की जाए, जो सामूहिक हड़ताल की बात की गई है, अगर इनके डिमांड्स की बात की जाए तो कौन कौन सी मांगे शामिल हैं जो कि डॉक्टर मनवाने चाहते हैं और क्या स्वास्थ्य विभाग इनकी मांगों को मानने के लिए तैयार हो सकता है? देखिए, डॉक्टर जो है ये अपने विशेष भत्ते को लेकर, इसके अलावा एश्योर्ड जो कैरियर प्रमोशन है उसका ये लाभ मांग रहे हैं। इन्हीं मांगों, यही इनकी मुख्य मांगे हैं कि इनकी ये जो मांगे हैं ये पूरी की जाए। और लेकिन किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग जो है इसके ऊपर काम करेगा ये देखने वाली बात होगी। जी, क्या ये हड़ताल ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह की हड़ताल की जा रही है डॉक्टर्स के द्वारा? ऐसे पहले भी अपनी मांगों को रख चुके हैं और अभी तक उनकी मांगों पर विचार विमर्श नहीं हुआ है कि एक बार फिर से इस तरह का रास्ता अख्तियार करना पड़ रहा है? देखिए, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ हो, समय समय के ऊपर जो है ऐसी हड़तालें स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की तरफ होती रहती हैं, भले ही वो किसी भी विभाग के कर्मचारी हो। इनकी मांगे जो उचित मांगे हैं उनको माना भी जाता है, लेकिन कह सकते हैं क्योंकि अब प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है और ये दबाव की राजनीति भी हो सकती है कि जिस तरीके से चुनाव सर के ऊपर है, डॉक्टर्स ने हड़ताल की हो कि शायद इस चुनावी समर में जो है उनकी मांगों को भी मान लिया जाए। लेकिन देखना होगा कि अब जो है चुनाव सर पे है और खट्टर सरकार के जो मंत्री हैं अनिल विज जिस विभाग के, वो इसको किस तरीके से लेते हैं। जी बिल्कुल, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर इनकी मांगों को पूरा किया जाता है या फिर इन्हें इस तरह का रास्ता ही अख्तियार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरह से ये डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है।